अभी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ एपी चैप्टर का प्रश्नावली 5.3 का चार नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने चाहिए, यानी यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है, कह रहा है कि इस एपी के कितने पदों को जोड़ेंगे कि 636 योग प्राप्त होगा, यानी इस एपी में इतने पद है जिसको जोड़ा जाएगा कि 636 आएगा, उसी पदों की संख्या को बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे चलिए इसको बताते हैं, लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ दिया रहेगा उसको उतारेंगे। तो उतारने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न से, यानी प्रश्न में जो जो चीज़ दिया रहता है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया है योग 636, यानी SN का वैल्यू दिया हुआ है 636, यानी AP के प्रथम N पदों का योग जो है 636 दिया हुआ है। इसमें ये जो N है इसी का वैल्यू बताना है, यानी इसमें N का वैल्यू जब ज्ञात होगा तो पता चल जाएगा कि इस AP में उतने ही पदों को जोड़ा गया है, चाहे जोड़ा जाएगा तब यह 636 आएगा, इतना दिया हुआ है और इसमें N ज्ञात करना है। उसके बाद क्या करेंगे तो इस AP को उतार लेंगे। तो इस AP को यहाँ पर उतारते हैं। अब उतारने के बाद इस AP से प्रथम पद सर्वांतर निकालेंगे। जब प्रथम पद और सर्वांतर मालूम चल जाएगा तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे और उस पर वैल्यू रख के बना देंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस AP से प्रथम पद का वैल्यू लिखते हैं। तो प्रथम पद को A से स्विच करते हैं तो A लिखेंगे और बराबर इस AP में सबसे फर्स्ट में जो पद आता है वही प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर 9 जो है सबसे फर्स्ट वाला इस AP का पद है तो यही प्रथम पद हो जाएगा। तो प्रथम पद यानी A का वैल्यू 9 हो गया। उसके बाद D यानी सर्वांतर का वैल्यू निकालेंगे। तो सर्वांतर का वैल्यू निकालने के लिए इस AP में अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे तो सर्वांतर निकल जाएगा, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे या तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे तब भी सर्वांतर का जो वैल्यू होगा वह बराबर आएगा। तो क्या करते हैं, दूसरा पद में से यानी A2 में से A1 घटा लेते हैं, दूसरा में से पहला को घटा लेते हैं। तो दूसरा पद 17 है, 17 लिख देंगे, माइनस प्रथम पद है 9 तो 9 लिख देंगे। अब इसमें से घटाएंगे तो 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसमें सर्वांतर का जो वैल्यू आया 8 आया। तो प्रथम पद और सर्वांतर निकल गया। तो क्या करते हैं, इसको लेते हैं, ठीक है। इसको लेने से पहले SN का फार्मूला लिख लेते हैं। तो SN का फार्मूला होता है, यानी प्रथम N पदों का फार्मूला होता है, SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। यही होता है प्रथम N पदों का योग का फॉर्मूला, यानी AP के जितना भी पद का योग निकालना है तो इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूला का इसमें ज़रूरत है, इसमें तो योग दिया हुआ है सिर्फ नंबर बताना है, तो नंबर बताने के लिए यही फार्मूला लागू होगा। अब जब यह फार्मूला लिख दिए तो यहाँ पर अब वैल्यू रखेंगे। तो SN का वैल्यू यहाँ पर है 636, तो 636 लिख देंगे। उसके बाद N का वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो N का वैल्यू जब मालूम नहीं है तो N ही रहेगा (2) × 2a। तो a का वैल्यू तो इसमें है 9, तो 9 लिख देंगे, अब प्लस है तो प्लस। उसके बाद n का वैल्यू इसमें नहीं है तो n रहेगा -1 × d। d का वैल्यू है 8, तो 8 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद यहाँ 636 है, यहाँ पर जो है n में 2 भाग कर रहा है, तो इस 2 को बराबर के साइड लेके आएंगे तो इधर भाग कर रहा है तो इस साइड आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 636 में यह गुना करेगा, और इधर बचेगा सिर्फ n × 2 से 9 में गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस 8 से इसके अंदर गुना करेंगे तो 8 से n में गुना करेंगे तो 8n होगा। यह माइनस में या प्लस में है तो प्लस माइनस, या माइनस प्लस तो माइनस ही होगा। 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब जो है इसको गुना कर लेते हैं, 2 से इसमें 636 में गुना करेंगे तो 2 से 6 में गुना होगा, 6 × 12, 3 × 2 = 7 हो जाएगा, फिर 6 × 12 हो जाएगा, यानी 12 = 72 हो जाएगा। इधर है n × 18, यहाँ पर है, यहाँ पर -8 है, यह अंक वाला है तो दोनों घटेगा या जुड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस में है या माइनस में तो घटेगा। 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 होगा, अब प्लस यहाँ पर यह 8n है तो 8n लिख देंगे।
उसके बाद 1272 एन से इसके अंदर गुना कर लेंगे, तो एन से 10 में गुना होगा तो 10 एन होगा, और प्लस एन से 8 एन में गुना करेंगे तो 8 रहेगा, लेकिन एन एन गुना होकर के एन स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तो इस 1272 को इस साइड लेकर के आ जाते हैं, तो बराबर के इस साइड कुछ नहीं बचेगा तो जीरो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखाएगा जीरो बराबर ये 8 एन स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, अब प्लस यहाँ पर है 10 एन, इसको इसके बाद लिखेंगे, और इसको लिखने के बाद यह जो है 1272 इसको बराबर के इस साइड लेके आ रहे हैं तो प्लस में है, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 1272। अब जो है इसको एक बार में प्लस देंगे, यानी इसको इस साइड लिख लेंगे और इसको इस साइड लिख लेंगे, तो चिन्ह नहीं बदलता है, तो इसको लिखते हैं इधर 8 एन स्क्वायर और प्लस 10 एन माइनस 1272 या जीरो, यानी इस तरह प्लस देंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है। अब इसमें देखना है क्या क्या कॉमन है, तो सब में दो कॉमन तो दिख रहा है, इसमें भी दो है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या करेंगे दो कॉमन कर लेंगे, तो दो जब कॉमन करेंगे तो इससे इसमें भाग करके इसके अंदर लिख लेते हैं, और लिखेंगे दो से 8 एन स्क्वायर में भाग करेंगे तो दो से 8 में भाग होगा तो 4 होगा, एन स्क्वायर का एन स्क्वायर ही रहेगा, प्लस फिर दो से 10 में भाग करेंगे तो 5 होगा, एन का एन ही रहेगा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और दो से 1272 में भाग करेंगे तो 636 होगा, क्योंकि यहाँ दो से 636 में गुणा किए थे तो 1272 आया है, फिर दो से भाग करेंगे तो 636 ही आएगा, तो इतना लिख देंगे, उसके बाद इधर बराबर जीरो। अब यह जो दो है यह इसमें गुना है, अब इसको बराबर को साइड ले जाएंगे तो गुना है तो भाग करेगा तो इधर बचेगा 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 बराबर जीरो, और यह जो दो है इधर आके जीरो में भाग करेगा, तो भाग करेगा उधर, इधर बचेगा 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636, अब जीरो में दो से भाग करे चाहे कितना हो संख्या से भाग करे तो वह जीरो होता है, इतना कर देंगे। उसके बाद इसमें तो अब कॉमन वन होने वाला नहीं है, तो यह जो समीकरण प्राप्त हुआ यह द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब यह द्विघात समीकरण जब प्राप्त हो गया तो इसको गुणनखंडित करेंगे, गुणनखंडित करने के बाद ही इसमें एन का वैल्यू निकाला जाएगा, तो इसको गुणनखंडित करने के लिए एक विधि है, तो उस विधि को अप्लाई करेंगे। तो गुणनखंडित करने के लिए फर्स्ट से लास्ट में गुणा करते हैं, तो इधर फर्स्ट में है 4 एन स्क्वायर गुना लास्ट में है माइनस 636, इस दोनों को एक साथ गुना करेंगे, तो इसमें अंक और अंक से गुना कर लेते हैं, या माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस ही होगा, तो 4 से 6 में गुना करेंगे तो 4 6 24 होगा, फिर 4 से 3 में गुना करेंगे तो 4 3 12 और 2 उसमें का 14 हो जाएगा, फिर हाथ में 1 हो जाएगा, अब यह 14 हो गया। उसके बाद यहाँ 6 है, 6 से 4 में गुना करेंगे तो 6 चौदह 24 और उसमें का 1 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे ले देंगे माइनस 25 44, यानी 25 से 44 होगा, और एन स्क्वायर का एन स्क्वायर ही होगा। अब यह जो माइनस 25 से 44 है इसी को दो भागों में ऐसा तोड़ेंगे कि उसको जोड़ने या घटाने पर यहाँ का जो बीच में प्लस 5 एन है इसके बराबर आना चाहिए, तो इसको दो भागों में तोड़ने के लिए 2544 लेंगे और इसको इस तरह तोड़ेंगे। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करना है तो क्या करेंगे, एलसीएम के रूप में अभाज्य गुणनखंडित करेंगे, तो इसमें 4 से लगेगा तो 4 6 24 और इधर आके 14 हो जाएगा, 4 3 12 होगा, और फिर इसमें दो इधर 4 में आके जोड़ के 24 हो जाएगा, तो 4 6 24 हो जाएगा, यानी 636 होगा 4 से इस 2544 से भाग करने पर। उसके बाद फिर इसमें भी 4 से लगेगा तो 4 से 6 में करेंगे डिवाइड तो 4 कम 4 होगा, इसमें का 2 जो बचेगा 3 के साथ मिल करके 23 होगा, तो फिर 23 पे 4 से भाग करेंगे तो 5 होगा, यानी 4 5 20, फिर इसमें 3 बचेगा यह 3 6 के साथ मिल करके 36 होगा, तो 4 9 36 होगा, यानी यह 9 हो जाएगा। फिर अब इसमें जो है इसमें 3 से डिवाइड होगा तो 3 लिखेंगे और 3 5 15 और यह 9 में भाग करेंगे तो 3 3 9, अब इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, तो क्या करते हैं अब इसको गुना करके एक साथ कर लेते हैं, यानी 4 4 16 16 3 48 तो 48 और गुना 53 तो आएगा यही 2544, तो यहाँ पे दो पार्ट बन जा रहा है 48 और 53। अब इसी को देखना है कि यहाँ पर 5 आना चाहिए, पहले अंक वाला की बात करते तो यहाँ प्लस में 5 आना चाहिए, तो क्या करेंगे 53 में से 48 हटाएंगे तो 5 आ जाएगा प्लस में, ठीक है, तो यह 5 तो मिल जा रहा है, अब इसको सजा लेंगे, यहाँ पे 53 रखेंगे और इसमें
एन लगा देंगे और फिर माइनस 48 एन कर लेंगे। अब 53 एन में से 48 एन घटाएंगे तो 5 एन होगा जो कि प्लस में होगा। तो यह टूट गया दो भागों में, तो यह 2544 जो है दो भागों में टूट गया, एक है 53 एन और दूसरा है माइनस 48 एन। तो यह जब दो पार्टों में टूट गया तो यहाँ जो 5 एन है इसके जगह पर यह दोनों भागों को लिखेंगे और फर्स्ट वाला और लास्ट वाला उसी तरह रहेगा, सिर्फ बीच वाला को हटाने के लिए इतना काम किया जाता है। तो अब रखेंगे यहाँ पे 4 एन स्क्वायर को रहने देते हैं, उसके बाद इसको 5 एन को हटा देंगे और इसको लिखेंगे, प्लस है 53 एन और माइनस है 48 एन और लास्ट में है माइनस 636 और बराबर 0 होगा। अब जो है इतना कर देने के बाद अब इसमें जोड़ा लगा लेंगे, तो यहाँ पर एक जोड़ा है और यहाँ पर एक जोड़ा है। अब इस जोड़ा में देखना है क्या कॉमन है, तो इसमें 4 है लेकिन 53 में 4 आता नहीं है गुना में, तो सिर्फ इसमें एन होगा और इसमें भी एन होगा, इसमें दो गो एन है इसमें एक गो है, तो एक ही एन कॉमन होगा, तो एन कॉमन करेंगे। अब इस एन से इसमें भाग करेंगे तो 4 में तो भाग नहीं लगेगा तो 4 ही रहेगा और एन से एन स्क्वायर में भाग लगेगा तो एक गो एन बचेगा, अब प्लस फिर यहाँ पर है 53 एन, तो एन से इसमें भाग करेंगे तो एन तो कट जाएगा सिर्फ 53 बचेगा। अब इस दोनों में देखना है क्या कॉमन है और इसके रूप में आना चाहिए, तो इसको रूप में लाने के लिए पहले तो प्लस है तो पहले यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं, पहले इसके आगे प्लस है तो इसमें माइनस नहीं रहना चाहिए, प्लस रहना चाहिए, तो माइनस क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। उसके बाद जो है 4 एन आना चाहिए, तो 4 एन आने के लिए 48 में सोचेंगे 4 एन कब आएगा, कितना से भाग देने पर आएगा, तो 12 चौका 48 होता है तो 12 कॉमन करेंगे यानी 12 से इसमें भाग करेंगे तो 4 एन आएगा, तो क्या करेंगे 12 यहाँ पर ले लेंगे कॉमन, और पता चल गया कि कितना कॉमन लेना है, माइनस 12 लेना है दोनों में, इसमें भी इसमें भी। अब पता चल गया तो कॉमन करेंगे, अब इससे भाग इसमें करेंगे और जो बचेगा यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसमें भाग करेंगे जो भागफल आएगा इसमें लिख लेंगे, तो माइनस से माइनस में भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 12 से 48 में भाग करेंगे तो 12 चौका 48 यानी 4 होगा और एन का एन रहेगा। उसके बाद इसमें देखते हैं तो माइनस माइनस भाग करेंगे तो प्लस होगा और फिर 12 से 636 में भाग करेंगे तो 53 ही आएगा यानी यहाँ पे जो है वही आएगा, अगर नहीं आता है समझ में तो 12 से 636 में भाग कर लेंगे। ऐसे देखिए अभी कर लेते हैं, 12 50 60 तो 3 आएगा, फिर 36 हो जाएगा तो 12 36 53 आ जा रहा है तो यहाँ पे 53 होगा बराबर इधर 0। इतना लिखने के बाद अब इस पार्ट में और इस पार्ट में देखेंगे कि क्या कॉमन है, यहाँ पे दो पार्ट है, एक इधर है एक इधर है, तो इसमें 4 एन प्लस 53 है, इसमें भी 4 एन प्लस 53 है, तो दोनों में है तो यह कॉमन कर लेंगे, 4 एन प्लस 53 को कॉमन कर लेंगे, तो जो बचेगा इधर लिख लेंगे, इस पार्ट में सिर्फ एन बचा है तो एन लिखेंगे और इस पार्ट में सिर्फ माइनस 12 बचा है तो माइनस 12 लिख लेंगे, इधर बराबर 0 इस तरह कर लेंगे, यानी इस दोनों पार्ट में जो कॉमन होगा उसको भी कॉमन कर लेंगे। और इस तरह भी समझ नहीं आता है तो जो दोनों में मिलेगा उसको एक बार लिख लेंगे और जो बच जाएगा उसको इसमें लिख लेंगे ब्रैकेट में। अब यहाँ पे जो है गुणन खंडित हो गया, गुणन खंडित दो भागों में हो गया, एक इधर है और एक इधर, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में था इसलिए द्विघात का गुणनखंड दो ही होता है, तो यहाँ पर दो गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पर अब इसको बराबर के इसी साइड रखेंगे, 4 एन प्लस 53 को बराबर के इसी साइड रखेंगे, तो यह तो इसी में गुना है तो इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो 0 में क्या करेगा भाग करेगा एन माइनस 12, यह एक कंडीशन होगा, यानी इसको बराबर के इसी साइड रखेंगे तो यह उस साइड जाएगा बराबर के उस साइड, तो गुना में है तो भाग में जाएगा तो 0 में भाग करेगा तो यहाँ पे 0 बटा एन माइनस 12 हो जाएगा, एक यह कंडीशन हो सकता है। या दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि बराबर के इसी साइड इसको एन माइनस 12 को रखेंगे यहाँ पर, तो बराबर के उस साइड यह जाएगा क्योंकि यह भी इसमें गुना है इसलिए इसको भी उस साइड भेजेंगे तो 0 में भाग करेगा 4 एन प्लस 53, यह भाग करेगा उधर जा करके, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें एन का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 4 एन प्लस 53 रखेंगे और 0 में इससे भाग करेंगे, चाहे किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 होगा, या इधर देखेंगे एन माइनस 12 यहाँ भी 0 में यह भाग कर रहा है तो यहाँ भी 0 ही होगा, और जब 0 आ गया तो एन का वैल्यू निकालना है तो 4 एन को रहने देते हैं और इसको बराबर को साइड भेज देते हैं तो 53 प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, या यहाँ पर देखेंगे एन है तो एन लिख देंगे और इस एन को बराबर के इसी साइड रखना है तो इस एन को यहीं पर रहने देंगे बराबर के इसी साइड
और इस माइनस 12 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, तो यहाँ एन का वैल्यू 12 होगा। अब इसको थोड़ा सा मिटा कर इधर लिखते हैं, पहले इसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे 4n बराबर माइनस 53 है, तो 4n बराबर माइनस 53 या इधर है n बराबर 12, इतना लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4 गुना में है n से, तो 4 को बराबर के साइड भेजेंगे तो माइनस 53 में भाग करेगा, क्योंकि 4 इधर गुना में था, या इधर है n बराबर 12। तो यहाँ पर n बराबर एक आया माइनस 53 बटा 4 और दूसरा आया 12, तो यहाँ पर दो वैल्यू आ रहा है। तो n का वैल्यू यहाँ पर कौन होगा, इसको अब ध्यान देना है, इसको समझना है कि यहाँ पर कौन होगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू जो होगा यही होगा, n बराबर 12, यही मान्य होगा और यह अमान्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे किसी का भी रोल नंबर हो, चाहे किसी का क्रमांक संख्या हो, वह ना ही दशमलव में होता है, ना ही माइनस में होता है, ना ही बट्टा में होता है, यानी ना ही पूर्णमेय संख्या में होता है। जब भी होता है वह पूर्ण रूप में होता है, वह एक निश्चित रूप होता है, जैसे एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, 12, 15, 18 होगा, इस रूप में होगा। जैसे स्कूल में किसी लड़का का रोल नंबर या तो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच हो सकता है या 12 हो सकता है, लेकिन माइनस 53 बटा 4 कभी होगा किसी का रोल नंबर या किसी के क्रमांक संख्या, इस रूप में कभी नहीं होगा। उसी तरह एपी में जो है, यह जो एन का वैल्यू होता है, एपी का पद संख्या होता है, यानी एपी का क्रमांक होता है। तो इस एपी में जैसे है यहाँ पर 9, तो इसका क्रमांक संख्या 1 है, यानी एन का वैल्यू 1 है। उसी तरह यहाँ पर 17 है, तो इसका क्रमांक संख्या 2 है, यानी इसका रोल नंबर जो है 2 है। यहाँ पर 25 है, इसका जो रोल नंबर है 3 है, यानी क्रमांक संख्या 3 है। उसी तरह यहाँ पर n का जो वैल्यू आया है 12 होगा, क्योंकि किसी का भी रोल नंबर चाहे क्रमांक संख्या जो होता है वह पूर्ण रूप में होता है, 12.5 चाहे दशमलव में चाहे माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पर यही n का वैल्यू होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसलिए n बराबर 12, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो n का जब वैल्यू 12 पता चल गया, तो इस तरह हम बता सकते हैं कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के प्रथम 12 पदों का योग होना चाहिए, तब यह 636 आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन का हल हम इस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।